केरल में लगातार चार दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद रविवार को 29,836 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 40,07,408 हो गए। राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पिछले एक दिन में महामारी से 75 मरीजों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 20,541 पर पहुंच गई। केरल में कोविड 19 से पीड़ित होने के बाद अब तक 37,73,754 लोग ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में 2,12,566 मरीज उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटे में 1,51,670 नमूनों की जांच की गई और संक्रमण की दर 19.67% है। गौरतलब है कि केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही शनिवार को घोषणा की कि राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अगले सप्ताह से रात में कर्फ्यू लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में अगले सप्ताह से राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। विजयन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ऐसे इलाके में जहां साप्ताहिक संक्रमण जनसंख्या दर 7% से ज्यादा है, वहां सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। अगले सप्ताह से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।